रेस्टोरेशन मिनी व्हीकल्स ट्रक जीप ट्रैक्टर चिन्ना नाम का एक लड़का था। एक दिन वो अपने पिता परमधाम चलाने वाले ऑटोमोबाइल्स मैकेनिक शॉप के पास बैठा हुआ था। तब एक आदमी आकर, परमधाम कहाँ है, उसे बुलाओ, यूं कहा। चिन्ना खड़े होकर, वो मेरे पिताजी है, अभी नहीं है वो, यूं कहा वो। खाने के लिए घर गए हैं क्या? ये दुकान के बगल में ही तुम्हारा घर है ना? घर जाकर कहो कि फॉरेस्ट से ऑफिसर दामोदर आए हैं, एक बार आकर बात करने कहो। चिन्ना, नहीं ये मतलब मेरे पिताजी एक्सीडेंट में गुजर कर 6 महीने हो गए हैं वो। अरे अरे, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 10 सालों से जीप ट्रक ट्रैक्टर सब नए व्हीकल्स जैसे रिपेयर करते थे, उतना अच्छा मैकेनिक मैंने कहीं नहीं देखा, अब कैसे, इस गांव में सब बेकार मैकेनिक ही हैं। कहकर जा ही रहा था कि चिन्ना, सर आपके व्हीकल्स को मैं आकर ठीक करूंगा सर, यूं कहा। देखने में तो तुम तो 10 साल के नहीं हो, तुम हमारे व्हीकल्स ठीक करोगे? चिन्ना, मुझ पर यकीन कीजिए सर, मैं बचपन से मेरे पिताजी ने जो मैकेनिक का काम किया था वो सब सीख लिया उनसे मैंने। कह रहा था कि वहाँ एक जीप आकर रुकी। उसका ड्राइवर, ये लो चिन्ना, हमारे सर ने कहा कि तुमने ये जीप को रिपेयर करके अच्छा कंडीशन में दिया है, इसलिए खुश होकर तेरा जो बिल 4,000 था उसके ऊपर 1,000 मिलाकर 5,000 दे रहे हैं, यूं कहा वो देखकर दामोदर सानी। ओह वेरी गुड, तुम अभी अपना सामान लेकर मेरे पास आ जाओ, एक जीप एक ट्रैक्टर को ठीक करना है, फिर हमारा ड्राइवर तुम्हें यहाँ छोड़ता हुआ जाएगा, यूं कहा चिन्ना खुशी से। 5 मिनट में आ जाता हूँ सर, मेरी माँ को कहकर ये पैसे देकर आता हूँ, यूं कहा। फॉरेस्ट में चिन्ना ट्रैक्टर जीप प्रिपेयर कर दिया। दामोदर सानी चिन्ना की प्रशंसा किया और पैसे देकर, थोड़ी देर में ड्राइवर आएगा, तुम जाओ, मैं भी एक फंक्शन में सिटी जा रहा हूँ, कहकर चले गया। चिन्ना फिर इंतजार करने लगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, ड्राइवर नहीं आया। चलकर जंगल पार करके मैं मेन रोड तक जाऊंगा तो किसी लॉरी में बैठकर जा सकता हूँ, सोचकर टूल्स की थैली को लेकर चलना शुरू किया। बहुत चलने पर भी मेन रोड नहीं आ रहा था। एक जगह पर रुककर, इतना चलने पर भी मेन रोड नहीं आ रहा है, लगता है जंगल में मैंने रास्ता खो दिया, यूं सोच रहा था कि उसे कुछ आवाज आई और वो नीचे देखा। वहाँ 3 लिलीपुट्स जोर जोर से चिल्लाते हुए बात कर रहे थे। चिन्ना, तुम लोग कौन हो, इतने छोटे क्यों हो, यूं पूछा उनमें से एक। हमें लिलीपुट्स कहते हैं, हमारा घर यहीं पास में है, तुम्हें और तुम्हारे तेल लगे हुए कपड़ों को देखकर मैकेनिक जैसे दिख रहे हो, इतने घने जंगल में रास्ता भटक कर आए हो क्या, यूं कहा चिन्ना। हाँ, वैसे तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो। तब दूसरा लिलीपुट, वो देखो वहाँ के पेड़ के नीचे एक मिनी ट्रक जीप ट्रैक्टर और कुछ मिनी व्हीकल्स है, कल कोई अमीर आदमी उसके पोते के जन्मदिन का पार्टी इधर मनाए थे, अब कई बच्चे गिफ्ट लाकर उस लड़के को दिए, फिर अचानक बारिश और तूफान आने से सब कार में जल्दबाजी में चले गए, तब वो मिनी व्हीकल्स यहीं छोड़ दिए, बारिश की वजह से पेड़ की डाली गिरकर वे डैमेज हो गए, इंजन में पानी भी चले गया और चल नहीं रहा है, हम उन्हें बांटने की सोच रहे हैं, मुझे जीप चाहिए, इसे और उसे भी जीप ही चाहिए, ये है समस्या, यूं कहा चिन्ना। वैसे वो रनिंग कंडीशन में है ही नहीं, उसके लिए क्यों कोशिश कर रहे हो, मैं ठीक करके देता हूँ, लेकिन तुम लोग बिना झगड़े तीनों मिलकर इस्तेमाल करोगे, दोस्त बनकर रहोगे, ऐसे वादा करो, यूं कहा। तीनों उस बात के लिए मान गए। चिन्ना उसे ठीक करके स्टार्ट किया। वो देखकर तीनों ताली बजाकर
1। बहुत शुक्रिया भाई, इसे कैसे भी सिटी तक धक्का मारकर ठीक करने के लिए घर से निकले थे, ये लो। कहते हुए एक पोटली में सोना दिए। चिन्ना आश्चर्य से, इतना सारा सोना? तब एक लिलीपुट, इससे हमें क्या काम है भाई, तुम ही रखो, देखने में अच्छे इंसान लगते हो। यूं कहा चिन्ना। थैंक्स भाई, मेन रोड यहाँ से कितना दूर है? यूं पूछा तब एक लिलीपुट, ये पेड़ के बीच में जाओ, बस आधा किलोमीटर दूर है। यूं कहा चिन्ना जा रहा था तो तीनों हाथ हिलाते हुए उसे अलविदा किए।